रहे भैया? बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बंद करो। नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? बंद करो इसको। हम तो बंद कर रहे हैं, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? बंद करो इसको। ये पहाड़ काट रहे हैं आप? क्यों बंद करो यार, जो मैं कर रहा हूं तुमसे यार। गोली मार दो हमें। क्या कर रहा कर रहा हूं? निको खनन कर रहा है। हत्या कर दो भाई। अगर खनन हो रहा है क्या? ये क्या हो रहा? उनको पता है आप ना खींचो का फायदा निकलेगा, उसको कोई सामने निकलने वाला। तुम समझ नहीं रहा कुछ इसको यार। कहां का परेशानी है? आपका सब सही है। बंद करो ना, बंद करो उसको भाई। तो समझा लो, समझा लो, मेरी बात सुनो, समझा लो। मतलब नहीं मानेंगे ना? अगर तुम्हारा सही तो काय डर रहे भाई? भाई साहब क्या हो रहा है, मतलब काय के लिए खींच रहे हैं? आपका सब सही है तो आप लड़ क्यों रहे हमसे? लड़ नहीं रहा हूँ, काय के खींच रहे हैं? हम लोग जल्दी बना रहे हैं यहाँ। अरे यार बात बात हो रही है ना। कल मेरे पास फोन आया कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का जो घर है उसके बगल में जो है पहाड़ बना हुआ है। उस पहाड़ में जो है दो जेसीबी मशीन काम कर रही है और लोगों ने फोन किया कि हमारे साथ जो है परसों मारपीट हो गई भाई साहब, आगे थोड़ा सा ये मदद कर लीजिए, ये पहाड़ काटे दे रहे हैं। हम लोग, हम और हमारे साथी ऐसी जैसी वहाँ पहुँचे तो जैसे ही हम लोगों ने कैमरा ऑन किया तो एक जो सांसद के जो गनर थे वो हमारे पास आ गए और कह रहे कि कैमरा बंद करो। तो हमने कहा आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। बोले नहीं, मेरे तो यहाँ पट्टा है। हमने कहा आपका पट्टा तो आप करिए, मैं कौन सा यहाँ काम बंद कराने आए। इतनी मेरी बात हो पाई कि वहाँ से जो सांसद के दूसरे गनर थे उन्होंने जो है पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर, और जैसे ही पत्थर मारे उसके बाद मैंने, मेरे हाथ में जो है पत्थर लगा जिसमें हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद में पीछे से बोले इनको गोली मार दो और फायरिंग करने लगे। तो उसके बाद हम वहाँ से भागे और हमने फोन लगाया। उसके बाद एसपी को सूचना दी इस मामले की और डीएम को सूचना दी। उसके बाद जो हमारे प्रेस के साथी थे वो आगे और उसके बाद में वहाँ फोर्स पहुँची और मैंने अपनी जो तहरीर थी प्रार्थना पत्र था वो दे दिए कुछ बाद में और उसके आधार में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अभी तक क्या पुलिस ने गिरफ्तारी की उन लोगों की? अभी वो जाँच करने के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है कि 24 घंटे के अंदर जो भी मामला है उसको पंजीकृत करके उन लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। जो लोग वहाँ मौजूद थे वही चला रहे हैं। जैसा ही मामला सांसद से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रशासन पर दबाव भी होगा? क्योंकि सत्ता पक्ष के सांसद है तो सीधी सी बात है कि दबाव तो उनके ऊपर है, क्योंकि सांसद की बात है और क्योंकि भाजपा के सांसद हैं और दबंग सांसद हैं। ये कोई उनका पहला मामला नहीं है जमीन का, मामले हैं कई लोगों जमीन पर कब्जा की। एक आंधे की जो जमीन थी उसकी 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर दिया। कई FIR दर्ज है पिताजी, तो उनके पिताजी जो है भूमाफिया है, कई मुकदमे दर्ज हैं और कई कोई पहला मामला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में दिक्कत ये है, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे अगर खबर बनाएंगे तो फायरिंग करेंगे, पत्थर मारेंगे, ये काम नहीं चल पाएगा ना। आपको क्या लगता है भाजपा सरकार में कितने सुरक्षित हैं पत्रकार? अब कल की घटना को देख के तो लगता है ये पहला हादसा था कि इस तरह का हुआ। किसी से अगर पहुँचते बात करते किसी से पत्थर मारना शुरू कर दिया और अगर वहाँ से नहीं भागते तो गोली मार देते। तो इसका यही है कि अब सत्ता की हनक है, वो उनको जो समझ में आया किया और करते रहेंगे जो उनको समझ में आया करेंगे। आप भी वहाँ रहते हुए कितनी गोलियाँ चलाई थी आप? लगभग 2-3 फायरिंग हुई है वहाँ से, फिर भागे जो पड़ोसी थे उन्होंने बचाया हम लोगों को और हम लोग रोड सड़क तरफ भाग के गए। अगर वहाँ रुक जाते तो वक्ता वो गोली मार देते, हत्या कर देते हैं।